हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन मास्टर में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पत्ता पत्ता ही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कुछ अलग बनाएंगे और मम्मी आपको बताएगी इसके बारे में कि ये क्या है और क्या नहीं। आपका पूरा डिटेल्स इसके बारे में हम लोग देंगे। तो मम्मी यहाँ पे बोलेगी कि ये क्या चीज़ का पत्ता है और मतलब ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मम्मी ये अरुई बोलेगी के पत्ता है। आज हम इसको रेकवच बनाएंगे। बंगाल में कच्चू का पत्ता बोलते हैं और बिहार में इसको अरुई का पत्ता बोलते हैं। इसको तो रेकवच हम बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए, हम यहाँ पर मसाला लिए हैं। तो ये जो पत्ता है इसका हम लोग सब्जी बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो आपको पता चल जाएगा वीडियो का लास्ट में। तो इसका ये जो सब्जी बनेगा इसका नाम है रेकवच, जो कि मुझे नहीं पता है एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम क्या है, पर रेकवच बोलते हैं हम लोग, हम लोग रेकवच। इसको रेकवच ही बोलते हैं। और हमारा जो पत्ता वही है वो आप रेकवच लोग जो देख होगा, सकते हैं, पत्ता हमारा देख सकते हैं आप लोग कैसा है। इसका जो शेप है वो हार्ट का शेप है। और इसका जो रेकवच हम लोग जो बनाएंगे उसका मसाला के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिए हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ एक बड़ा चम्मच जीरा लिए हैं, ये यहाँ पर एक चम्मच धनिया लिए हैं, एक ठो नींबू लिए हैं हम, 8-10 ठोल काली मिर्च लिए हैं गोल की, आ ये 2 लहसुन के कलिया लिए हैं, आ ये देखिए 10-12 ठो लाल मिर्चा लिए हैं। काहे कि इसमें मिर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये झाल नहीं होता है ये पत्ता, तो इसीलिए जितने इसे मसाला दीजिएगा उतने ही अच्छा होगा। तो ये हम एक ठो नींबू लिए हैं इसमें देने के लिए। तो आप इसके अंदर जितना मसाला दीजिएगा उतनी अच्छा होगा, लाइक मसाला से इसका टेस्ट बढ़ता है ना, पर उतना भी आपको एक्सेस मसाला नहीं देना होगा। तो अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मम्मी आपको बताएगी इसको कैसे बनाना है। धो लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं, देखिए बढ़िया से अच्छा से धो लिए हैं। इस पर तो पानी एकदम टिकता नहीं है, देखिए धो लिए हैं अच्छा से, आप लोग भी धो लीजिएगा। अब हम इसको मसाला को पीसेंगे। तो अब मसाला को हमारा जो है इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको हम लोग अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने जो मसाला लिया था उससे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने इसे ग्राइंड किया, आप चाहे तो इसे सील पे ही पीस सकते हैं, और नहीं तो आप इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सील पे नहीं पीसा है, हम लोगों ने इसे ग्राइंड किया है। आप लोग देख सकते हैं मसाला कुछ ज़्यादा ही है। तो अब हम लोग का और ये हमारा मसाला हो चुका है। अब हमको लगेगा बेसन। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम का बेसन का पैकेट लिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 200 ग्राम लिखा भी है यहाँ पे। ये तो ये हमारा पूरा बेसन लग जाएगा इसके अंदर, है ना मम्मी? तो ये मेरा मम्मी जो है बेसन डालने लगी है। मम्मी इसके अंदर बेसन डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग को इसमें बेसन मसाला का ही इसके अंदर जितना भी ये है वो हम लोग बेसन ये हम मसाला से देंगे ही इसमें, करेंगे। हम लोग जो भी कुछ करेंगे इसके अंदर बनाएंगे। तो और ये ये हमारा है 2 चम्मच दे रहे चावल का आटा। चावल का आटा। तो बेसन और चावल का जो आटा है उसे हम लोग मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे हल्दी। तो मम्मी यहाँ पे कितना चम्मच हल्दी है मम्मी? टीस्पून, कितना? हाफ चम्मच, छोटा चम्मच से। तो यहाँ पे छोटा चम्मच से आप लोग हल्दी लिए हैं 1/2 स्पून का, हाफ चम्मच। ये हमारा मसाला और है। ये हमारा मसाला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा लाल लाल लग रहा है। मिर्ची को ज़्यादा ही हो गया है। सब मसाला इसमें दे दिए हैं। तो हमारा जो मसाला है वो पूरा मम्मी इसके अंदर डाल दी है। तो अब इसके अंदर हम लोग हमारा जो नमक है वो डालेंगे। तो मम्मी इसके अंदर नमक नमक आप अपने टेस्ट का हिसाब से डालिएगा, हम लोगों ने अपने टेस्ट का हिसाब से डाला है। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे मम्मी? घोलेंगे, मिक्स करके इसको मिक्स घोल बनाएंगे। पतला घोल होगा कि मोटा? नहीं, ज़्यादा नहीं पतला ना ज़्यादा मीडियम में इसको घोल के, मतलब नहीं ज़्यादा आपको पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। घोलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी देके आप लोग घोलिएगा, जैसे कि मम्मी कर दी, आप लोग देख सकते होंगे। ये बहुत नया रेसिपी है, आप लोग भी बनाइएगा जरूर।
इसमें खटाई देना जरूरी है। तो हम नींबू लिए हैं एक ठो, उसको डालेंगे। जब मसाला पूरा घोल, बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद डालेंगे उसको नींबू। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो बेसन घोली है वो काफ़ी अच्छे से घोल ली है। मम्मी बेसन दिखा दीजिए, तो देखिए कितना मोटा हुआ है। सही रहिए रहेगा, तो ज़्यादा नहीं घोलना है हम लोगों को। अब इसके अंदर हम लोग नींबू डालेंगे। तो इसके अंदर मम्मी नींबू डाल रही है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बदले आमचूर पाउडर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग नींबू दिए हैं। यहाँ पर खटाई भी दे सकते हैं, आमचूर पाउडर दे सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो नींबू है, तो नींबू मम्मी डाल दी है। तो अब हम लोग एक तो हम लोग पर नींबू डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। तो ये हमारा जो पेस्ट है बेसन का, वो बन के अच्छे से रेडी हो चुका है। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पत्ती पर लगेगा नहीं, और रुई के पत्ता पर। तो हम लोग इसको पत्ता के ऊपर ये लगाएंगे ना, तो बैठेगा नहीं पत्ता के ऊपर, इसीलिए हम लोग ज़्यादा पतला नहीं कर सकते, ज़्यादा मोटा भी नहीं कर सकते। हो गया है, हो गया है ना, देखिए। तो आप इसको देख सकते हैं हमारा जो बेसन है वो हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट लेंगे, या फिर अगर आपके पास कुछ चौकी है या फिर कुछ है बड़ा सा, तो आप वो ले सकते हैं, जिससे आप पत्ता है जो पत्ता है उसको आप इसके ऊपर रख सकेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को एक कुछ बड़ा सा लेना होगा। तो मैंने एक बड़ा सा थाली लिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, प्लेट है वो मेरा स्टील का, और ये जो हम लोग का पत्ता है उस थाली पे हम लोग रख देंगे। जैसे कि आप मम्मी दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं, तो वो पत्ता को हम लोग थाली पे रख दिए हैं, और जो हमारा बेसन है, जो हमारा मसाला है, वो इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी कैसे अप्लाई कर रही है। ऐसे करके हम लोग को बेसन को चारों तरफ अप्लाई करना, मतलब पूरे साइड में, और उसके बाद साइड में फिर एक और पत्ता हम लोग लगा देंगे साइड में, जो कि आप लोग देख सकते हैं मम्मी कैसे लगा रही है। और वो लगाने के बाद हम लोग फिर एक और पत्ता ले लेंगे, और उस पर भी हम लोग जो बेसन है वो लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी कैसे कैसे बेसन लगा रही है, आप लोग भी ऐसे ही लगाइएगा। इसका बहुत सारा तरीका होता है बनाने का, सब कोई अलग अलग तरीका से बनाता है, तो मम्मी को जो तरीका आता है मम्मी उस वे से बना रही है। तो मम्मी एक और पत्ता ली है, और उसके ऊपर फिर से बेसन अप्लाई कर दिए साइड में रख के। इसे मम्मी नहीं साइड में रखे, नहीं बीच में रखिए, इसको नॉर्मल प्लेस में रख दिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे तीन पत्ता अप्लाई कर चुके हैं, तो एक और पत्ता मम्मी इसके ऊपर दे रही है, और उसमें भी वैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग मसाला लास्ट पत्ता में हम लोग किए थे। तो वैसे ही एक और पत्ता फिर से मम्मी ली और फिर अप्लाई करी। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे कर रही है, आप लोग भी ऐसे ही वैसे कीजिएगा जैसे मैं मम्मी कर रही है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इजी लगा हो, क्योंकि वीडियो बहुत इजी है बनाना, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है एकदम। बहुत अच्छा लगता है खाने में इसको। हाँ, ये बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। नया रेसिपी है। तो फिर मम्मी एक और पत्ता लिए, लाइक हम लोग लगभग यहाँ पे कितना पत्ता ले चुके हैं मम्मी? चार पाँच तो हो गया है, पाँच छः तो। पाँच छः हम लोग पत्ता ले चुके हैं, छः पत्ता हो चुका है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पत्ता से बनाना चाहते हैं, है ना? ज़्यादा मोटा बनाने से नहीं, मीडियम बनाइएगा। मीडियम बनाने से ये होगा ना कि जल्दी से आपको पक जाएगा। हाँ, पक जाएगा, तो इसलिए मैंने कम से कम 6-8-10 पत्ता को बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ना। उससे ज़्यादा बनाइएगा तो ज़्यादा मोटा पड़ जाएगा, लेकिन 8-10 पत्ता को बना सकते हैं। तो एक एक पत्ता को अप्लाई करके, ये नहीं है आसान है, एक एक तो पत्ता पर दे के मसाला इसको चिपकाते जाइएगा। जितने मसाला इसमें बेसन दीजिए, बोलो, जितने इसमें बेसन दीजिएगा, ये बेसन के मसाला का खेल है, जितने इसमें बेसन मसाला दीजिएगा उतने अच्छा आपको लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा। तो देखते ऐसे ही सारा हम रिक्वच बांध के बना के रेडी कर लेंगे। तो ये मेरा अब हो आया है,
कम से कम 8-9 पत्ता हो गया मेरा, ज्यादा हम मोटा नहीं बनाएंगे। आप लोग भी अपना घर में जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बना के जरूर खाइएगा, हमारा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी पूरा पत्ता लगा दिए जहाँ तहाँ, पूरा एक सर्कल टाइप में हो चुका है। तो अब इसको मम्मी फोल्ड करी, जैसे जिससे वो इसको अच्छे से, मतलब क्या करना है मम्मी, इसको फोल्ड करेंगे। देखिए फोल्ड करिए, क्या करना है, घुमेटेंगे, देखते रहिए ना, देखते रहिए, आगे आप लोग देखते रहिए, समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। तो इसको हम पत्ता का चारों तरफ से इसको मोड़ देंगे, मोड़ के ऐसे करके घुमेटेंगे। एकदम मेही से घुमेटेंगे, घुमेट के तब तो इसको मतलब ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे मम्मी कर रही है, आप लोग देख सकते होंगे। ऐसे ही आस्ते आस्ते इसको फोल्ड करना है, इसको फिर सामने से जो आगे के पत्ता है इसको हम मोड़ देंगे। तो ये हम लोग का पूरा अच्छे से फोल्ड हो चुका है, देखिए मेरा। तो देख सकते हैं आप लोग कि मम्मी पूरा इसको फोल्ड करके कैसे कर चुकी है। मम्मी एक बार अच्छे से दिखा दीजिए तो सबको, देख लीजिए। अब इसको हम लोग पता है क्या करेंगे, पीसेस कट करेंगे ना मम्मी, पीसेस कट करके बना सकते हैं कच्चे, नहीं तो इसको उबाल के भी या फिर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मम्मी आपको जो इजी लगेगा मम्मी आपको वो बताएगी, क्योंकि दोनों हम आप लोगों को बता देंगे, दोनों बताएगी। पर अगर आपको बॉईल वाला चाहिएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को बोलेगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको बॉईल वाला भी देखना है, तो मम्मी आप लोगों के लिए बॉईल वाला भी नेक्स्ट वीडियो रेडी कर देगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही हम सारा पत्ते को, तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, हम लोग का जितना भी रोल किया हुआ रहेगा हम लोग ऐसे पहले रोल किया हुआ बना लेंगे अच्छे से, जितना भी हमारा जो यहाँ पे पत्ता पड़ा हुआ है इन सभी का हम लोग रोल करके बना लेंगे ऐसा लंबा सा, फिर आपको पीसेस में भी कट करके हम लोग दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने 3 रोल बना लिया है इसका, जो कि आप लोग देख सकते होंगे अच्छे से। अब इसको हम लोग पीसेस में कट करेंगे, वो मम्मी आपको करके दिखाएगी इसको पीसेस में कैसे कट करना है। तो मम्मी अब इसे कट करेगी, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मम्मी कट कर रही है। ये उसीन के भी बनता है, हम आज कांचा ही बनाते हैं, नया रेसिपी है, आप लोग भी देखिए। मतलब कि मम्मी बोलिए कि ये बॉईल होके भी बनता है, बट मम्मी आज मम्मी बॉईल करके नहीं बनाएगी, मम्मी कच्चा बनाएगी फ्राई करके, इस तेल में इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। हाँ तो वो आपको मम्मी दिखाएगी। ज्यादा मोटा मोटा नहीं कटना है, मीडियम साइज में कटना है। इसे चाकू से काट सकते हैं? चाकू से नहीं काट सकते हैं, बोटिया से काटिएगा, फांसू से। हम लोग तो बिहार में इसको फांसू बोलते हैं, यहाँ पर बंगाल में इसको बोटी बोला जाता है,
बिहार में तो सबको ही फसुल के नाम से जाना जाता है, हमको भी नहीं मालूम था बोटी किसको बोलते हैं। बंगाल में आ गए, बंगाल में रहते रहते बोटी के नाम जान गए। तो ये देखिए हम एक ठोक काट लिए हैं, अब इसको चलते हैं फ्राई करने। तो इसी तरह आपको सारे जितने भी आपके रोल्स बने हुए हैं आप उसे सबको कट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दो रोल्स है, इसको भी हम लोग कट करेंगे। और मैंने यहाँ पे कट किया है जो आप वो देख सकते हैं, पीसेज में है, पूरा सर्कल में है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। अब इसको मम्मी फ्राई करेगी। दो तरीका होता है, एक फ्राई करके बनाने का, एक बॉईल करके बनाने का। तो आज हम लोग फ्राई करके बनाएंगे, तो आपको कच्चा फ्राई करके हम लोग बनाएंगे जो कि आप लोग देखिएगा। अगर आपको बॉईल करके भी बना के सीखना है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं आप सभी के लिए वो रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये जो हमारा रोल्स बचा हुआ, अगर आपको नहीं खाना है या फिर आपको मतलब कि अभी बनाना नहीं है उतना, आपको कल बनाना है या फिर कोई मेहमान आएगा तब उसको बनाए खिलाइएगा, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, एक दिन बाद बना सकते हैं। एक दिन बाद आप इसको भी बना सकते हैं। मतलब आपको संग संग मसाला वसाला दे के संग संग बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे रोल बना के रख दीजिएगा और नेक्स्ट डे आप उसको फ्राई करके या फिर बॉईल करके जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप बना के मेहमान को दे सकते हैं या फिर खुद भी खा सकते हैं। तो हम लोग गैस के पास आ गए हैं और हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग सरसों तेल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, मस्टर्ड ऑयल हम लोग इसमें डालेंगे। आपको रिफाइंड ऑयल से बनाना है तो आप बना सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल में उतना अच्छा नहीं होगा जितना सरसों का तेल से होगा। सरसों का तेल अच्छा होता है इसके लिए, तो आप सरसों का तेल ही तेल से ही बनाइएगा, वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल लिया जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर इसको टी स्पून से नापेंगे तो हम लोग 5 से 6 चम्मच हो जाएगा स्पून से। अब ये तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर फ्राई करने के लिए मम्मी क्या करेगी वो भी देखिए आप। तो हमने यहाँ पे फ्राई करने के लिए क्या लिया है देख सकते हैं, मेथी दे रहे हैं, मेथी और 5 फोरन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 5 फोरन नहीं है मेथी। तो ये हम लोग मेथी लिए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, मेथी और सौंफ है मेरा। ये छोटा वाला चम्मच से हम लोग लिए हैं आपका 1 चम्मच के आसपास, और इसके अंदर हम लोग इसको डाल देंगे और ये हमारा फ्राई हो जाएगा। तो ये हमारा पक चुका है, अब इसके अंदर हमारा जो देखवच है वो मम्मी डाल दी है फ्राई करने के लिए। तो आप लोग देखिए मम्मी कैसे डाल दी है, एक एक करके डालिएगा। जितना आटेगा उतना ही हम लोग डालेंगे, फिर दो बार में हम कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार में हम लोग के पास जितना होगा ऑयल उसी हिसाब से डालेंगे, फिर हम लोग दोबारा सेकेंड टाइम में भी इसको हम लोग फ्राई करेंगे वैसे ही जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं इसको, है ना मम्मी। अब इसको हम ढक देंगे और ये जो हमारा है सब्जी इसको अब हम लोग ढक देंगे। 6-7 तो अब इसको हम लोग ढक देंगे ताकि ये जो हमारा ये है ये सब पक जाएगा, अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा। नरम आंच पर पकाएंगे, हाई फ्लेम मत कीजिएगा, लो फ्लेम पे इसे पकाइएगा ताकि अंदर से भी पक जाएगा, आपका कच्चा नहीं रहेगा। तो हमारा 1 मिनट हुआ है हम लोग मीडियम, कितना 2 मिनट हुआ है हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसको बनाए थे। तो अब इसको हम लोग साइड से पलट देंगे, दूसरा साइड कर देंगे इसको हम लोग एक एक करके। तो देख सकते हैं आप लोग हल्का हल्का कलर भी चेंज हो चुका है, तो मम्मी इसको दूसरा साइड कर देगी। देखिए आप कलर अच्छा देख सकते हैं, ये पक रहा है पूरा, इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये पक रहा है, पक गया है, कितना अच्छा है। डबल चम्मच के सहायता से आप लोग पलट सकते हैं, मतलब ठंडा के टाइम है तो हम हाथों से पलट दे रहे हैं, लेकिन आप लोग एक और चम्मच के हेल्प से आप लोग इसको दूसरे साइड कर दीजिएगा, दूसरे साइड पलट दीजिएगा। जैन हो गया है इसमें, तो वैसे करके हम लोग फिर इसको हम लोग ढक देंगे फिर और ढक देंगे फिर हम 2 मिनट बाद फिर इसको हम लोग दूसरे साइड 2 मिनट इसको नरम आँच पर हम लोग पकाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसको एक कर देंगे, इसको
जो शेक कर देंगे, मतलब हमारा जो कढ़ाई है उसको तो घुमा देंगे, जिसके वजह से वो जो तेल है वो हर तरह हर साइड में चला जाए। फिर हम ढक देते हैं, तो इसको हम लोग फिर ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो हमारा 2 मिनट हो चुका है और अब इसको हम लोग खोल के देखते हैं पका है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोनों साइड से पक चुका है काफ़ी अच्छे से। और इसको रखनी क्या मम्मी? नहीं, हो गया, ये हो गया है ना। हाँ, तो ये दोनों साइड से हो चुका है, अच्छे से देख सकते हैं। हम इसको निकालेंगे तो देखिए कितना अच्छा सर्कल सर्कल में हुआ है, इसका रंग काफ़ी अच्छा आया है और दोनों साइड से पक के एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है ये। तो देख सकते हैं दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया और कितना अच्छा इसका रंग आया है, मतलब इसका पूरा जो टेक्सचर है आप लोग देख सकते हैं पूरा अच्छे से ये कैसा बन के रेडी हुआ है, मतलब पूरा अंदर से पका हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा अंदर से पूरा पक चुका है इसका टेक्सचर, जो कितना अच्छा है। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल रोटी या फिर आप कुछ भी बाहर से मंगा रहे हैं तो उसको आप इसके साथ खा सकते हैं। ये इतना अच्छा लगता है खाने में, इतना टेस्टी होता है। अगर आपको मतलब अगर आपको सच में ये खाना है तो आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। आप लोग यकीन नहीं मानिएगा इतना अच्छा ये लगेगा कि आप लोग एक बार बनाइएगा तो बार बार इसे बोलेगा कि आपको बनाना है। तो इसको मम्मी आपको तोड़ के भी दिखा सकती है, मम्मी इसको तोड़ के दिखा दिए तो। ये रेकवच है, देखिए ये रेकवच की रेसिपी हमारा कितना अच्छा है, आप लोग भी जरूर बनाइए और खाइए। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी है, हल्का हल्का उतना नहीं है पर हल्का हल्का हुआ नहीं है। होता है ये खाने में बहुत स्वादिष्ट, ये एक प्रकार के सब्जी हो गया, ये कच्चू के पत्ता के रेकवच ये सब्जी है एक तरफ से, लेकिन बनाने का ये तरीका इसका ऐसी है ठीक ना। तो आप लोग जरूर बनाइए अपना घर में खाइए और मेरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा हुआ है। अगर आपको बॉयल वाला भी रेसिपी चाहिए तो आप वो भी बताइएगा, वो भी मैं आप सबके लिए लेके आऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। और अपने मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।